साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, एक नई टॉपिक पे आज बात करेंगे कि आप जॉब से रिलेटेड किस तरह से ठगे जाते हो। 5 मिनट का वीडियो रहेगा, जरूर देखना। हो सकता है आप इस स्थिति से गुजर चुके हो, या हो सकता है गुजरने का चांसेस अभी हो रहा हो, आपको लग रहा है कि गुजर सकते हैं, या और भी अन्य लोगों के लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आज बात बता रहा हूँ साथियों, अगर फेक जो कंसल्टेंसी होती हैं, ऑफिस होती हैं, वो आपके साथ किस तरह से बिहेव करती हैं, वो आपसे किस तरह से कांटेक्ट करती हैं और आपको अपने जंगल में फंसा लेती हैं। तो शुरुआत में होता क्या है कि मान लीजिए कोई फेक एजेंसी है, फेक कंसल्टेंसी है, वो आपसे ईमेल, मैसेज, कॉल या फिर व्हाट्सएप कॉल या फिर किसी भी प्रकार के पत्राचार के माध्यम से आप तक मैसेज पहुंच जाता है। और मैसेज इस तरह का होता है कि आपको उसमें ये अपने सपने साकार होने जैसा लगता है कि हाँ यार, यहाँ पर अपना काम हो जाएगा, क्योंकि उनका सस्ता काम होता है, जल्दी काम होता है, बिना पैसे का काम होता है, अच्छी तनख्वाह जिसमें आप सोच नहीं सकते। कई बार ऐसा सोचा है ना, अपन बोलते हैं ना यार, ये है वो है, मैंने सपने में नहीं सोचा मेरे साथ ये हो जाएगा, तो ये स्थिति हो जाती है। तो आप लोग फिर क्या करते हो कि घर की स्थिति ऐसी होती है, परिवार को पालने, जिम्मेदारी के बोझ के तले दबे हुए, बहुत सारी कंडीशन को आप सोचते हुए उस ऑफिस तक पहुंच जाते हो। घर में दो जेब में 2-4 हज़ार अगर घर पे नहीं है तो किसी से पास पड़ोस से उधार पुधार लेके जेब में डाल के बैग लेके आप चल पड़ते हो। रात को 2-3 दिन का आपका सफर होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म हो जाता है, लॉन्ग टाइम इसमें, क्योंकि दूरों दूर की ऑफिस होती है, पास वाली ऑफिस में ऐसा नहीं होता, दूरों में ऐसा हो जाता है। तो आप 2-3 दिन का सफर करके पहुंचते हो, ट्रेन में भूखे पैसे, ट्रेन में सोना पड़ता है, रेलवे स्टेशन सोना पड़ता है, 2 टाइम का खाना एक दिन में खा के एडजस्ट करना पड़ता है, बिना नहाए धोए आप उस ऑफिस के आगे सुबह के टाइम 6-7 बजे पहुंच जाते हो। सुबह 7 बजे आप पहुंच गए, 8 बजे पहुंच गए, ऑफिस खुलता है 10-10:30 बजे। जैसे ऑफिस खुलता है वहां पे 1-2 मैडमें आती हैं, 2-4 आती हैं, जिससे ऑफिस होता है उसके हिसाब से, और ऑफिस अपना सिस्टम में लग जाता है। सबसे पहले आपका होता है स्वागत कक्ष, रिसेप्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में स्वागतम। एक लड़की बैठी होती है सुंदर सी, वो आपसे अपने बायोडाटा लेगी, आपकी जानकारी लेगी, आपसे हंस के मीठी मीठी बातें करेगी। और प्लीज़ ये जो स्थिति इनके साथ हुई है वो मुझे कमेंट जरूर करें। वो आपका सिस्टम लेके वहाँ से आपको ऐसा लगता है कि हाँ अपना काम हो जाएगा, वो इस तरह से आपको तैयार करेगी, आपको फॉर्म भरवाएगी, फॉर्म के नाम से 1500-1500 रुपये आपसे मांग लिए जाते हैं। आप बोलते हो ऐसा मुझे बताया नहीं गया, तो कोई नहीं सर, डरिए मत, आप ये फीस आपको वापस हो जाएगी नेक्स्ट टाइम। तो आपको ये लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा फंसते कौन है यार, भोले वाले लोग फंसते हैं, तो उनको यकीन हो जाता है। और बाकी लड़की बोल रही है सामने, तो यकीन तो होना ही है, आदमी बैठा हो तो इतना विश्वास नहीं करते, लड़कियों पे लोग विश्वास कर लेते हैं, इसीलिए लड़कियों को लोग मोटी तनख्वाह पे हायर करते हैं वहां बिठाने के लिए, क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव करने का थोड़ा एक्स्ट्रा गुण होता है, तो अपन उनकी बात जल्दी मान लेते हैं, समझ रहे हो बात को। तो फिर वहां पे आपसे 1500-1500 रुपये ले लेती हैं, फॉर्म भरा लेते हैं, फिर आपको बोलते हैं सीनियर साहब से मिल लीजिए, सीनियर सर से मिल लीजिए, सर से मीटिंग कर लीजिए, फिर आप सर के पास जाते हो, सर इंग्लिश में रोब में बात करता है, तो आपको लगता है यार बंदा एजुकेटेड है, ऑफिस बहुत शानदार है, ये तो अपना काम हो जाएगा। फिर इस तरह से आपको कन्विंस करते हैं कि आप उनके हाँ मैं मिला लेते हो, समझ रहे हो बात को। फिर आपको डॉक्यूमेंट चेक करना, सीवी वगैरह लेना, फॉर्म फिर आपका भरवाना, या फिर कई बार ये बोल दिया जाता है कि आपको इस काम नहीं आता, आप बोलते हो नहीं आता, तो आपकी ट्रेनिंग होगी 3 दिन की, ठीक है, आप एक काम करिए, आप 5000 रुपये जमा करवा दीजिए और कल से स्टार्ट हो जाइए। तो आप उस चक्कर में फिर या तो 3-4 दिन आपको रुकना पड़ेगा, आपको वहाँ पैसे दे दिए, जबकि ट्रेनिंग फ्री होती है, सबको पता होता है ट्रेड सेंटर में ट्रेनिंग फ्री होती है, उसका पैसा नहीं लगता, लेकिन वो आपसे ले लेते हैं। फिर ट्रेनिंग करके आपको बोल देते हैं ठीक है अभी आप सर जाइए, आपका 10-15 दिन में ऑफर लेटर आ जाएगा। आप उस चक्कर में बैठे रहते हो, फिर 15-20 दिन बाद कॉल आता है, सर आपका ऑफर लेटर आ गया, बधाई हो, आप सिलेक्शन हो गए, आपका जल्दी काम हो रहा है, कनाडा सिंगापुर बढ़िया जॉब मिल गई आपको, 2 लाख रुपए सैलरी, आपके जो सपने होते हैं उनको पंख लगने स्टार्ट हो जाते हैं दोबारा से। फिर आप ऑफिस पहुंच जाते हो, ऑफिस आप चले गए, आपका ऑफर लेटर तैयार है, ऑफर लेटर पे साइन करवा लिए आपसे, आपके डॉक्यूमेंट फिर आपसे फोटो ले लिए, ये ले लिया, वहां दो जी एक दो जगह साइन करवा लिए, आपको लगता है वाह यार अपना काम तो 1 महीने में हो गया। फिर आपसे बोलते हैं सर एक काम कीजिए, आप 20,000 रुपये डिपॉजिट कर दीजिए, प्रोसेसिंग फीस है ये आपकी लगेगी, ठीक है। तो आपको ये लगता है यार काम हो रहा है, अपन दे देते हैं पैसे, तो वो कैसे भी बहाने कर करा के अगर उनको लगता है क्लाइंट नहीं दे रहा, तो उनको बोल देते हैं सर ये एक बार लगेगी आपको, जैसे आप वहां पहुंचोगे आपको फीस वापस मिल जाएगी, ये पैसे वापस मिल जाएंगे, ये आपको सिक्योरिटी होती है, कल को आप नहीं जाते हो तो ये कंपनी का खर्चा हो जाता है ना, इसलिए आपको ये देना पड़ेंगे, आपका काम अगर हो जाता है आप चले जाते हो तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो आप वो पैसे दे दा के आ जाते हो, चाहे अकाउंट में डालो, चाहे केस दो, चाहे कुछ भी आप करो, वो पैसे आप दे देते हो। देने के बाद वापस आप घर आ जाते हो,
अपने जॉब में लगे हो, या फिर कई लोग तो जॉब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं कि ले भाई अपने को तो बाहर जाना है, यूरोप जाना है, कंट्री जाना, अच्छी अच्छे पैसे कमाएंगे, यहाँ क्या रखा है। फिर वो जो जॉब पहले वाली है उनको भी छोड़ देते हैं, या फिर घर पे काम छोटा मोटा कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते हैं, अलग इशू हो जाता है, माइंड में ये रहता है यार बाहर जाना है अपने को। 15 दिन बीते, 20 दिन बीते, फिर आपका कॉल, आप उधर कॉल करते हो थोड़ा वेट करिए, ऐसे करके 2-3 महीने लग जाते हैं। फिर आपको पता लगता है, थोड़ा थोड़ा आपको शक होता है, फिर आप ऑफिस जाने की सोचते हो कि यार पैसे चले गए, ऑफिस में चलते हैं अपन। तो वहां जाते हो तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है। जो लड़की फर्स्ट में रिसेप्शन अच्छी अच्छी बातें कर रही थी मीठी मीठी, वो कड़क से बात करेगी, ठीक है। फिर आपको वेट करने के लिए बोला जाएगा, आज सर नहीं है, कल आप आइए, समझ गए बात को। कल का फिर उनको पता है 1000 किलोमीटर से आएगा, कल नहीं, आज नहीं है, कल सर आए, आज सर नहीं है, आप कल आइए, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ यहाँ पे मेरा काम फॉर्म भरने का। अगर आप उनको पूछोगे तो ये जवाब मिलेगा आपको। फिर 1-2 दिन रुक के फिर आपका सर बाय चांस मिल गए तो आपको गोली मिल जाएगी, आपको टका दिया जाएगा। सर नहीं मिले तो आप वापस आ जाओगे, क्योंकि आप कितने दिन वहां पे रुकोगे, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, खर्चा नहीं है, कहाँ रुकोगे, भूखे प्यासे आपको रेलवे स्टेशन पे रुकना पड़ेगा या कोई धर्मशाला में रुकना पड़ेगा। ये स्थिति आप लोगों के साथ होती है, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ ये। तो फिर या तो आपके 2-4-5 महीने निकल गए तो भूल जाओ पैसों को, पैसा फिर आपको एहसास खुद को हो जाता है यहाँ से कि अपने साथ ठगी हो गई, अपना पैसा नहीं आना। फिर आप पासपोर्ट दे दीजिए, आप पासपोर्ट तक आ जाते हो, समझ गए कि सर पासपोर्ट दे दीजिए। पासपोर्ट लेने के भी उनको पता लग जाता है कि 100 बंदों को ठगा है, 20 बंदे तेज तरार हैं, उनको तो पासपोर्ट वापस कर देते हैं, हो सकता है थोड़े बहुत 5-4 हज़ार रुपये वापस दे दें, बाकी के पासपोर्ट लेने के भी वो पैसे मांगते हैं। वो बहुत पता है क्या बोलते हैं कि आपका काम अंडर प्रोसेस है सर, हमारा खर्चा हो चुका है, अगर आप पासपोर्ट वापस लोगे तो हमें जुर्माना भरना पड़ेगा, हमें यह करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपको 10,000-15,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। अब फिर आपको पासपोर्ट लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ये केस मेरे पास बहुत सारे आ चुके जो पासपोर्ट लेने के चक्कर में 10,000-10,000 रुपये एजेंटों को दे चुके हैं, ऑफिस में दे चुके हैं। जी हाँ, तो साथियों ये कहानी नहीं है, हकीकत है, लगभग लोगों के पास साथ या तो हुई है या हो सकती है। तो प्लीज ध्यान रखें इन चीज़ों में ना आए। आगे भी मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगा कि आपको किस तरह से इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो साथियों मेरा वीडियो शायद आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भी करें यार, ताकि जो इन चीज़ों में या तो फंस चुके हैं उनको तो वो तो बैठ गए, कम से कम यार और हैं उनको तो बचाया जा सके ना, अपना 100% फर्ज बनता है। तो प्लीज़ आपका भी फर्ज बनता है, एक आदमी 100-100 लोगों को वीडियो शेयर करें, ताकि ये कुछ बातें अगर उनको समझ में आए, अपना वीडियो देख के 200-200 लोगों को भी अगर हेल्प होती है तो साथियों लाखों का बजट होती है। क्योंकि एक गरीब आदमी के पास 20,000 भी खोने के लिए उसको लगता है 2 लाख चले गए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ सब्सक्राइब कर लें चैनल, हर रोज ऐसे टॉपिक पर वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।